महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में इन दिनों कई गांवों के ग्रामीण बाघ की दहशत से जी रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि वन विभाग की टीम लगातार बाघ पर नजर बनाए हुए, जहां बाघ ने अब 3 मवेशियों को अपना शिकार बनाया है। वहीं वन अमला गांवों में लगातार बाघ से बचने के लिए मुनादी कराकर सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। पिछले 5 दिनों में बाघ ने 3 गौवंश को अपना शिकार बना लिया है। बाघ के मूवमेंट पर नजर बनाए रखने के लिए बलौदाबाजार और महासमुंद में वन विभाग के साथ साथ वन विकास निगम की 7 टीमें अलग अलग क्षेत्र में नजर रखे हुए हैं। विगत 7 तारीख को संध्या के समय मोड़ से सिरपुर जाने वाली सड़क को क्रॉस करते हुए बाघ को कुछ गुजरने वाले लोगों के द्वारा देखा गया। उसकी जानकारी हमको मिली। कुछ ही घंटों में हमारी टीम वहां पर पहुंच के उस वीडियो की सत्यता को सत्यापित किया गया और ये कंफर्म हो गया कि वहां पर बाघ का विषाण है। उसके आगे और पीछे की ट्रेसिंग करने के लिए महासमुंद वन मंडल, वन विकास निगम बाघ परियोजना और बलौदाबाजार वन मंडल तीनों के द्वारा कंबाइन रूप से कुल 7 गश्ती के दल बनाए गए हैं, जो बाघ की लगातार ट्रेसिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। पीछे ट्रैक करने पे पीढ़ी डैम के आसपास उसका विचरण पता चला और उसके बाद से लगातार ट्रैकिंग हो रही है। जानवरों का कुछ शिकार बाघ के द्वारा किया गया है।